एक बच्चा होता है, छोटा सा, प्यारा सा, मासूम सा, खूबसूरत सा। एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है। लाइक उसकी फैमिली में सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, वो लोग बहुत गरीब हो चुके होते हैं, खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। फिर उसकी माँ ने सिखाया उसे कि कोई बात नहीं, ये समय है, आज ऐसा है, कल अच्छा आएगा। क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती है। आज बुरी है तो कल अच्छी होगी, कल अच्छी है तो बुरी होगी। मतलब समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है, कभी ठहरता नहीं है। आज शायद अभी 3 बज रहे हैं, फिर 3:15, 3:30, बढ़ता ही रहेगा, टाइम बढ़ता ही रहेगा। तो उसकी माँ ने उसे सिखाया कि कोई बात नहीं, होता है, हमेशा हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, बहुत ज़ोरों की, और उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। लेकिन उसके दोस्त को भूख लगी थी, और उसका दोस्त उसके साथ था, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से था, लेकिन उसके पास भी खाने के लिए उस समय कुछ नहीं था। तो वो बच्चा अपनी खाने की तरफ देख रहा और अपने दोस्त की तरफ देख रहा है। तो उसकी माँ समझ गई कि मेरा बच्चा बहुत दुविधा में है। तो उसकी माँ ने उसे समझाया और सिखाया कि बांट के खाने वाला हमेशा सुखी होता है और खुश होता है। अच्छा, उसने अपनी माँ की इस बात को गांठ बांध लिया, और हमेशा हमेशा जब भी वो कुछ खाता है, उसके सामने कोई होता है, वो कितना भी भूखा हो, हमेशा थोड़ा बांट के ही खाता था, हमेशा दे के ही खाता था। उसकी ये आदत उसके अंदर इनबिल्ड हो गई। एक दिन उसके दोस्त ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने मुझे बोला है कि बांट के खाना चाहिए, और मैं जब भी कुछ खाता हूँ और जिसको भी ज़रूरत होती है मैं उसे देता हूँ, बट मेरे दोस्त ने मुझे नहीं दिया, और उसके पास तो बहुत सारा खाने के लिए था, फिर भी उसने मुझे नहीं दिया। तो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया, उसके सर पे हाथ रखा, उसे गले लगाया और उसे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, लालच, लालच एक ऐसी चीज़ होती है जो सारे रिश्तों को, सारी चीज़ों को, आपके अंदर की सारी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देती है। और कई बार लालच की वजह से हम कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ हमें नहीं फंसना चाहिए। तो उसको अपनी माँ की बात ना थोड़ी समझ नहीं आई, अभी छोटा सा बच्चा था। उसने कहा अच्छा ठीक है करके बात ख़त्म कर दी। जब वो अगले दिन स्कूल गया तो उसे पता चला कि उसके दोस्त को लूज मोशन आ रहा है, उसका पेट खराब हो गया है, उसे बहुत सारी तकलीफ़ है, उसके पेट में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से आज मैं स्कूल नहीं आया। सो वो गया अपने दोस्त के घर और उसे पूछा कि क्या हुआ। तो उसके दोस्त ने बताया कि मैंने कल ज़्यादा खा लिया था, तो जिस वजह से मुझे लूज मोशन हो गया, मेरे पेट में बहुत दर्द है। और उसके दोस्त ने रियलाइज़ करा कि मैंने गलती करी थी, तो उसने सॉरी भी बोला कि मेरी गलती थी, तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि तू मुझे हमेशा देता है खाने के लिए और मैं तुझे नहीं देता हूँ। लेकिन चूंकि लालच उसकी फितरत में था, इनबिल्ड था, और उससे बदलने की उसने कभी कोशिश नहीं करी। एक चीज़ और है, अगर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई आदत, कोई फितरत है, तो आप उसे बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन उस बच्चे ने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी। 2-3 बार और भी ऐसा हुआ कि उसने उसे खाने के लिए नहीं दिया, और उस टाइम उसका पेट वेट नहीं खराब हुआ तो उसने खाने वाने के लिए नहीं दिया। तो ऐसे होते होते दोनों बड़े हो गए, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा, दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट करा। फिर ऐसा हुआ कि जो लालची था, अच्छे घर से था, अमीर था, उसने क्या किया कि जितना भी पैसा आता था, जितनी भी इनकम आती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसे बिजनेस में होता था, बहुत ज़्यादा। और जो गरीब था उसके ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसने थोड़े पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और कोशिश करी कि मतलब अपने सारे वर्कर्स को खुश रख सकूं, अपने सारे पार्टनर्स को खुश रख सकूं, और उनके जो भी सहयोगी हैं, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जो भी सारे हैं, जो भी काम करने वाले मजदूर तक, सफाई कर्मचारी तक को खुश रख सकूं। और वो कोशिश भी करता था, इस जिस वजह से उसको ना बचत थोड़ी कम होती थी, बट फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद थी कि संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। और धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, वो बांट के खाने लगा, तो उसको मन में ना बहुत संतुष्टि मिलती थी। अच्छा, जो ये बहुत अमीर था, बहुत पैसे थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, अपने लालच की वजह से ये आगे चल नहीं पाया। लाइक इसके सारे वर्कर्स उसे छोड़ के जाने लगे, क्योंकि जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी ये तनख्वाह नहीं देता था, बोनस ही देता था, उनके मांगने पे कभी एडवांस ही देता था, अपने साथियों से धोखा करता था। वो ये सोचता था कि मैं कितने ही पैसे कमा लूँ, सब रख लूँ, जितने ज़्यादा पैसे कमाऊँ सब मेरे होंगे,
भाई मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूँ, जितने पैसे आएंगे सब मेरे ही हैं करके उसके अंदर इतना लालच हो गया कि धीरे धीरे करके उसके सारे पार्टनर्स जो कि फॉरेन पार्टनर्स थे, वो जो लोकल पार्टनर्स थे, जो उसके कर्मचारी थे, धीरे धीरे करके लोगों ने जॉब छोड़ दी। जब जॉब छोड़ दी कंपनी बहुत छोटी हो गई, लाइक लोग कम हो गए, लोग अपॉइंट कम होने लगे, उसकी कंपनी का नाम खराब होने लगा कि भाई बहुत लालची है, पेमेंट टाइम पे नहीं देता, बोनस नहीं देता, काम गधों की तरह करवाता है और एक्स्ट्रा भी नहीं देता है। उसका ये हाल हो गया था कि अगर कोई उसके यहाँ बीमार होता था कोई वर्कर, तो भी वो पैसे वैसे देने के लिए मतलब सोचता ही नहीं था कि वो पैसे दे, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं इन्हें 200 रुपये दूंगा तो मेरी इनकम से 200 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन जो गरीब दोस्त था वो पार्ट के खाता था, इसलिए टाइम पे ऐसा हुआ कि उसकी कंपनी में लोग काम करने के लिए एकदम मरने लगे, परेशान होने लगे और धीरे धीरे उसकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई। तो भैया कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लालच पहले भी बहुत बुरी बला थी, आज भी बहुत बुरी बला है और आगे भी रहेगी। तो लालच थोड़ा कम करो, बांटने की जो इच्छा है, बांटने की जो आदत है वो अपने अंदर रखो, मिलजुल के खाओ, लोगों को खुश रखो, खुद भी खुश रहो। और कभी कभी हम लोगों को हाय हेलो बोलते हैं अपनी तरफ से, सामने वाला नहीं भी बोलता है तो क्या होता है, उनके फेस पे स्माइल होती है, हमारे फेस पे भी स्माइल होती है। तो खुशियाँ बांटो, खुशियाँ लो, हमेशा खुश रहो, लालच थोड़ा कम करो। और आगे मैं और भी ऐसी मोरल स्टोरीज लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, पीए की पंचायत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की वीडियो जो मेरे डेली लाइफ में होता है, जो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो दिखाना चाहिए, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइज़।